हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 गाउन्स फॉर गर्ल्स, और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा और आप हमारी और भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो गाइज, आप सबको पता ही है कि आजकल गाउन्स कितने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई मैरिज हो, चाहे कोई छोटा मोटा ओकेशन क्यों ना हो, हर कोई गाउन पहनना पसंद कर रहा है। और ख़ासकर लड़कियों की ये पहली चॉइस है, क्योंकि गाउन में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा लुक आता है, बहुत ही प्रिटी और एलिगेंट और ब्यूटीफुल्स लगते हैं आप सब लोग, अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे तो। और हमारी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके ऊपर कौन सा गाउन सूट करेगा और मार्केट में किस तरीके के गाउन्स अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप शादी में जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो अगर आप ऑफ शोल्डर गाउन को अगर आप पहनते हैं तो उसमें आप काफ़ी ही बहुत ही प्यारे लगेंगे। ऑफ शोल्डर में जो आपका स्लीव्स रहती हैं वो शोल्डर से नीचे रहती हैं, और स्लीवलेस इसकी स्लीव्स रहती हैं, इसलिए ऑफ शोल्डर है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है ऑफ शोल्डर में, आपने देखा होगा। अगर गाउन्स भी हैं, टॉप्स भी आ रहे हैं इसमें। देन अगर आप जैकेट स्टाइल गाउन को कैरी करते हैं तो इसके साथ में एक जैकेट रहती है जो आप गाउन के ऊपर पहन सकते हैं, ये लुक भी बहुत ही डिसेंट लगता है। देन आपका फ्लेयर गाउन, इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें आपकी हाइट काफ़ी अच्छी दिखती है और एक थोड़ा डिफरेंट सा लुक आता है बाकी अदर गाउन से। साड़ी स्टाइल गाउन, ये गाउन बहुत ट्रेंडिंग में है, आप चाहें तो उसको कोई गर्ल्स भी पहन सकती हैं, या उनको कोई मतलब कुछ आप लोग की अगर मम्मी वगैरह हैं वो भी ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि ये लुक भी बहुत प्यारा आता है। एक तो ये साड़ी का लुक देता है, इसके साथ में ये गाउन का भी लुक देता है, तो ये मिक्स एक कॉम्बिनेशन हो गया है साड़ी और गाउन का, तो ये ड्रेस और ये गाउन बहुत ही प्यारा लगता है। केप गाउन मोस्टली अगर ये जो लंबी लड़कियां हैं अगर वो इसको पहनती हैं तो ये उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। देन आपका सिक्वेंस गाउन, ये सिक्वेंस गाउन काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये एक तरीके से गाउन और लहंगा ये दोनों का ही काम करता है, क्योंकि जो इसका इस थोड़ा सा हैवी वर्क होता है तो वो अगर आप नाइट में इसको या किसी शादी में इसको पहन रहे हैं रात में, तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। देन आपका कोल्ड शोल्डर गाउन में आपने देखा होगा कि जो आपकी स्लीव्स होती हैं वो शॉर्ट रहती हैं, और ये आपका प्लस आपका ऑफ शोल्डर भी होता है, तो एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है कोल्ड शोल्डर और ऑफ शोल्डर का। देन आपका मिरर वर्क गाउन, ये आपके लिए अगर कोई ब्राइडल है तो वो उसको पहन सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा हैवी होता है तो ये ब्राइडल पर काफ़ी अच्छा लगता है। देन आपका रफ़ल गाउन बहुत ही प्यारा लगेगा अगर आपको किसी छोटे मोटे फंक्शन के लिए वेयर करेंगे, ये बहुत ही लाइट वेटेड होता है, बहुत हैवी नहीं होता है। देन आप चाहें तो टी लेंथ गाउन भी ट्राई कर सकते हैं, ये शॉर्ट गाउन होता है जो आपके नी तक आता है, ये सिर्फ नी तक रहता है, ये लॉन्ग गाउन नहीं होता है। देन आपका ए लाइन गाउन, जो ए लाइन आपका गाउन आता है वो ए लाइन के शेप में रहता है, ये आपका ओवल या सर्कल शेप में, राउंड शेप में नहीं आता है, ये ए लाइन शेप में जाता है आपका। देन आपका आता है का मरमिड गाउन बेसिकली आप उसको फिश कट गाउन बोल सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जो आपने ड्रेसेस देखी होंगी जो आपके वेस्ट तक बहुत ही स्टिफ रहती हैं, देन वो आपकी नी तक भी स्टिफ रहती हैं, देन वो एकदम से नी के बाद से आपका पूरा लूज हो जाती हैं, एकदम जो फिश कट जो लुक होता है वो आपको वो लुक देती हैं। देन एक बैकलेस गाउन में जो आपकी पीछे का जो बैक वाला पोर्सन रहेगा वो काफ़ी डीप होता है, दैट्स वाई इसको हमने बैकलेस गाउन बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।